सो हेलो गाइस यार, मेरा नाम है जैन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपने इंटरनेट स्पीड को कैसे इंक्रीज कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का पूरा सेटिंग देख लो, आपका इंटरनेट स्पीड बेहतर हो जाने वाला। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। एंड दोस्तों, सबसे पहले आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आप लोगों को डुअल सिम एंड सेलुलर नेटवर्क का ऑप्शन दिखेगा, या फिर सिम कार्ड का मैनेजर का ऑप्शन दिख सकता है। तो उसके बाद आप लोगों को सिम वन एंड सिम टू का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको यहाँ पर अपना जो भी जियो सिम का लगा रखे हो सिम वन में या फिर सिम टू में, तो अपना चूज़ कर लो। तो जैसे ही मेरे यहाँ पर सिम वन में लगा हुआ था तो मैंने चूज़ किया। अब आपको नीचे एक एक्सेस पॉइंट नेम का ऑप्शन मिलेगा, जैसे ही क्लिक करोगे तो। उसके बाद एक्सेस पॉइंट नेम में क्लिक करो, नीचे देख सकते हो। तो उस पर क्लिक जैसे ही करोगे तो आप लोगों को एक यहाँ पर नीचे रेजेट का ऑप्शन मिलेगा। तो नीचे रेजेट कर दो, ठीक है, रेजेट एक्सेस पॉइंट कर दो, तो आपका रेजेट हो जाएगा। एंड आज जो एपीएन सेटिंग बताने वाला हूँ, आप काफ़ी ज़्यादा वो काम करेगा आपके एपीएन इंक्रीज करने में इंटरनेट को। तो देखो, आप आपको ऊपर में प्लस का ऑप्शन दिखेगा या फिर नीचे भी आपका हो सकता है, तो उस पर क्लिक कर दो। एंड क्लिक जैसे ही करोगे आप लोगों को इस प्रकार का पेज ओपन होगा। एंड पेज को पूरा फिलअप करना है, जिसके बाद आपका इंटरनेट स्पीड बेहतर हो जाएगा। तो सबसे पहले आता है नेम। तो नेम में आपको यहाँ पर लिखना है, हो सकता है आपने इस एपीएन सेटिंग को देख रखा हो, मगर ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाला है। तो पूरा देखो, उसके वीडियो के लास्ट में कुछ और भी सेटिंग है। तो देखो, सबसे पहले लिखना है स्पीड, स्पीड बॉट V3X, जो कि S कैपिटल होगा और V कैपिटल होगा, और एक स्पेस देना है, ठीक है, स्पीड बॉट V3X, जो कि V कैपिटल होगा और 3X। उसके बाद सेव कर दो। तो जैसे यहाँ पर इसको करोगे सेव, तो ये हो जाएगा सेव, ठीक है। एंड इसके बाद आ जाता है APN। तो APN में आप लोगों को यहाँ पर लिखना है जियो नेट, जो कि J कैपिटल होगा, जियो एंड एक स्पेस नहीं देना है और नेट। उसके बाद इसको भी कर दे सेव। उसके बाद आता है प्रॉक्सी, प्रॉक्सी को नॉट सेट रहने दें। उसके बाद आता है पोर्ट, पोर्ट को भी नॉट सेट ही रहने दें। उसके बाद आता है यूज़र नेम। तो यूज़र नेम में यहाँ पर आप लोग को लिखना है बॉट डॉट V3X, जो कि बी कैपिटल होगा, एंड डॉट देना है फिर बी स्मॉल V3X। उसके बाद इसको भी कर देना है सेव। तो इसको भी कर देना सेव। उसके बाद आता है पासकोड, पासकोड को नॉट सेट ही रहने दें। उसके बाद आता है सर्वर, सर्वर में लिखना है www.google.com। तो ये लिखने के बाद इसको भी कर देना है सिंपल सा सेव। तो इसको भी कर दीजिए आप लोग सेव। एंड उसके बाद आता है MMSC, MMS प्रॉक्सी, MMS पोर्ट, ये तीनों को नॉट सेट ही रहने दें। उसके बाद आता है MCC और MNC, ये आपका एरिया कोड होता है, इसे आप छेड़छाड़ ना करें, ठीक है, वरना आपका इंटरनेट स्लो हो जाएगा। उसके बाद आता है ऑथेंटिकेशन टाइप, इसको क्लिक करना है, और चौथे नंबर में पैप और चैप का ऑप्शन दिखेगा, इसमें क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आता है APN टाइप, इसको नॉट सेट रहने दें। उसके बाद आता है APN प्रोटोकॉल, APN प्रोटोकॉल में जाना है, और इसको क्लिक करके सबसे नीचे वाले में IPv4/IPv6 कर देना है। ध्यान से देखिए, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ उसे आपको करना है। एंड उसके बाद आता है APN रोमिंग प्रोटोकॉल, इसको भी IPv4/IPv6 में क्लिक कर देना सबसे नीचे वाले में। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, इस तरह के APN सेटिंग जानने के लिए, और भी इंटरनेट स्पीड हो जाएगा आपका। तो यार देखो, वीडियो अच्छा लगता है लाइक ज़रूर करना। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग आता है बेयरर। तो नीचे में बेयरर का ऑप्शन देख सकते हो, इसमें क्लिक करना है। अनस्पेसिफाइड को अन टिक करना है। एंड LTE, इसको ध्यान से देखिए वरना आपका इंटरनेट स्पीड नहीं हो पाएगा। LTE, HSPAP, HSPA, HSUPA, HSDPA, UMTS, EDG, GPR, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर इतने सारे सपोर्ट नहीं करते, सिर्फ LTE पे करके छोड़ दो। अब क्या करना है, आप लोगों को ऊपर में सेव का ऑप्शन देख सकते हो, या फिर आपका नीचे भी सेव का ऑप्शन हो सकता है। तो इसको कर दीजिए सिंपली सा सेव, एंड आपका APN हो जाएगा। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या करना है, आप एक बार स्पीड बॉट V3X वाले में क्लिक कर दीजिए, अब आपका इंटरनेट स्पीड बेहतर हो जाएगा। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो इंपॉर्टेंट रहा होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही एक वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।